तो की हाल चाल सतरकाल, मैं हूँ न्योन मैन और आज हम बात करने वाले हैं टिकटॉक बैन के बारे में। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि क्या टिकटॉक को बैन करना चाहिए एंड और भी जो टिकटॉक प्लेटफॉर्म में जो गलत गलत चीजें हो रहे हैं उस चीज के बारे में वो अपना ओपिनियन शेयर किए हैं, उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। देन मैं कुछ रिकॉर्ड शेयर करूंगा जो कैरी मिनाटी ब्रेक किए थे। शायद मैंने आप लोग को डिटेल्स में नहीं बताया था कि कैरी मिनाटी क्या क्या रिकॉर्ड्स ब्रेक किए अपने वीडियोस के थ्रू, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करके मैं आप लोग को शॉर्ट में बताऊंगा। देन और भी स्टोरीज है रिलेटिंग टू आशीष चंचलानी, टेक्निकल गुरुजी एंड फ्लाइंग बीच, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक बड़ा सा थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग से रिक्वेस्ट किया था 900K पहुंचाने एंड भाई आप लोग ने एक ही दिन में पहुंचा दिया। एंड अब तो नजर खाली एक ही तरफ है भाई, खाली एक डायरेक्शन, दैट इज 1 मिलियन। भाई इतना दूर आ ही गए तो बस थोड़ा सा और बाकी है, उसको बस कंप्लीट कर लेते हैं एंड भाई फिर तो मजे ही मजे। तो भाई देख क्या रहे हो, नीचे लाल वाला बटन जो दिख रहा है उसको दबा दो जल्दी से जल्दी एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि टिकटॉक बैन के ऊपर सब लोग बात कर रहे हैं एंड ट्विटर में हर जगह ये चीज ट्रेंड कर रहा था, इवन गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाई जा रही है। तो चलिए अब कुछ यूट्यूबर्स का ओपिनियन देख लेते हैं ऑन टिकटॉक बैन एंड ऑल्सो टिकटॉक एज अ प्लेटफॉर्म ऑन अ होल। तो टेक्निकल गुरुजी अपने लेटेस्ट वीडियो में ये कहे, और इनफैक्ट मैंने ऐसा ऐसा कंटेंट देख लिया है भाई, मतलब लगता है कि यार कैसे ये था इस ऐप के ऊपर और चारों तरफ से यही आवाज उठ रही है कि भैया टिकटॉक को बैन करो। तो अब उम्मीद तो यही करते हैं कि भाई टिकटॉक जो है वो बस जल्दी ही बैन हो तो कुछ चीज सामने निकल के आए। देन मोस्टली सेन भी एक वीडियो अपलोड की इस चीज के बारे में बात करते हुए, उन्होंने ये कहा, और कुछ वीडियो सरफेस हुए जो देख के मेरा खून खौला। एक वीडियो था जिसमें एक बिल्ली को रस्सी से बांध के लटकाया गया है, दूसरा वीडियो था जिसमें कुत्ते के हाथ पांव मुंह बांध कर उसको पानी में फेंकने वाले हैं, तीसरा एक वीडियो था जिसमें 7-8 साल के बच्चे हैं जो लव मेकिंग सीन्स एनेक्ट कर रहे हैं, चौथा वीडियो था जिसमें देयर वाज अ गर्ल हु इज लुकिंग, जो फटे हुए कपड़ों में हु इज फीलिंग वेरी बैड अबाउट व्हाट एवर हैज हैपेंड टू हर, एंड देयर आर बॉयज जो अपनी पैंट पहन रहे हैं, बेल्ट लगा रहे हैं। सो द डिपिक्शन इज कि लड़कों ने अभी अभी लड़की का रेप किया है, एंड दैट्स व्हेन आई वाज लाइक व्हाट द इज गोइंग ऑन, बट दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि अगर इस पूरे यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक कंट्रोवर्सी से कोई पॉजिटिव चीज निकली है देन इट इज दिस, कि ये वीडियोज मेरे पास पहुंचे या मेरे फीड में आए क्योंकि दीज वर बीइंग रिपोर्टेड, क्योंकि दीज वर बीइंग शेम्ड। हम सारे कंज्यूमर्स एक्टिवली इन वीडियोस को पकड़ के इंटरनेट पे दिखा रहे हैं कि व्हाट इज दिस नॉनसेंस, इसको बैन करो, एंड दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि इट्स नॉट लाइक ये वीडियोस अभी आए, ये वीडियोस हमेशा से रहे हैं, ये वीडियोस बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हमेशा से रहे हैं, और शायद उस टाइम पे भी कुछ लोगों का खून खौला होगा, बट उस टाइम पे बंदा ये सोचता है ना कि अकेला बंदा मैं रिपोर्ट करके क्या कर लूंगा, उस पे मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, मिलियंस ऑफ लाइक्स हैं, व्हिच इज व्हाई आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट कैरी स्टार्टेड दिस कॉन्वर्सेशन, आई एम वेरी हैप्पी दैट कैरी सेट द बॉल रोलिंग, जिसका डोमिनो इफेक्ट ये हुआ है कि हम फाइनली we are looking through the stereotypical cringy or whatever content and going to these layers of seeing things that are so horrible। देन एल शॉकिन फिल्म्स भी अपने चैनल में इस चीज के बारे में एक वीडियो अपलोड किए, उन्होंने बताया कि टिकटॉक में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड उनको क्या अच्छा नहीं लगता है टिकटॉक के बारे में। देन MSK भी अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किए, बंद करो ये सब यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, जहाँ पे वो बताया कि ये ड्रामा ने कितना नेगेटिविटी फैलाया एंड वो चाहते हैं कि अब ये बस खत्म हो जाए, एंड और भी कुछ चीजें वो लॉजिकली प्रेजेंट किए ये अपने वीडियो में। एंड ऑल्सो टेक्निकल सागर भी टिकटॉक बैन के ऊपर अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किए। सो इन सारे वीडियोज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हो। ऑल्सो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों की टिकटॉक का रेटिंग 2 स्टार्स तक गिर चुका है, उसके ऊपर भी एक अपडेट है कि अभी अगर हम लोग प्ले स्टोर खोलेंगे तो हम लोग देख सकते हैं अभी वो 1.2 स्टार्स में, मतलब 4.5 से 1.2, बहुत ही ज्यादा बैकलैश मिला है टिकटॉक को। ऑल्सो एक और इंटरेस्टिंग चीज आप लोग ने मेरे को भेजा था, दिस इज नॉट रियली अ न्यूज बट मेरे को पर्सनली ये चीज इंटरेस्टिंग लगा तो आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर हम लोग फैजल शेख लिखेंगे यूट्यूब में, जो कि मिस्टर फैजू का नाम है, तो इसमें लिखा आ रहा है कि फैजल शेख इज अ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, पता नहीं कौन किया ये चीज बट इट्स प्रीटी फनी। तो चलिए अपने स्टोरी के बारे में बात करते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं कैरी मिनाटी के बारे में। तो मैं कुछ बात करने वाला हूँ कैरी मिनाटी ने जो रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं, उन्होंने रिकॉर्ड्स ब्रेक किया है ऑफ मोस्ट सब्सक्राइबर्स गेन्ड इन अ डे, मोस्ट सब्सक्राइबर्स गेन्ड इन अ वीक एंड ऑल्सो मोस्ट सब्सक्राइबर्स गेन्ड इन अ मंथ। इधर मोस्ट सब्सक्राइबर्स गेन्ड इन अ मंथ प्यूडीपाई इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये चीज अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। प्यूडीपाई का रिकॉर्ड था 6.6 मिलियन एंड कैरी मिनाटी ने ऑलरेडी 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स प्लस गेन कर चुका है एंड अभी तक एक महीना हुआ भी नहीं है। एंड ऑल्सो उनका जो डिलीटेड वीडियो का रिकॉर्ड था उसको भी मैं शेयर कर लेता हूँ आप लोग के साथ। आपकी स्क्रीन में सारे रिकॉर्ड्स
से जो उनके प्रीवियस वीडियो ने ब्रेक किया था, अभी करेंटली वो डिलीटेड है अनफॉर्चुनेटली। बट या अगर आपको रीड करना है तो आप पॉज करके सारे रिकॉर्ड्स रीड कर सकते हो। ऑल्सो कैरिमिनाटी से रिलेटेड एक और स्टोरी है, अभी चल रहा है एक रेस जो की है रेस टू 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स। पहले ये रेस चल रहा था आशीष चंचलानी एंड अमित भड़ाना के बीच में, बट अभी कैरिमिनाटी क्रॉस कर चुके हैं आशीष चंचलानी को एंड कैरी बन चुके हैं द सेकंड मोस्ट सब्सक्राइब्ड इंडियन क्रिएटर। सो करेंटली कैरी के 18.6 मिलियन है एंड अमित भड़ाना के 19.6 मिलियन, तो दोनों के बीच में 1 मिलियन का गैप है। बट मैं सोशल ब्लेड में जाके फ्यूचर प्रोजेक्शंस रीड कर रहा था एंड देख रहा था, तो उसमें लिखा था कि अमित भड़ाना को लगेंगे 32 डेज टू रीच 20 मिलियन एंड कैरी को लगेंगे 59 डेज। नाउ मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, ये एक एस्टिमेटेड फिगर है, दिस इज नॉट एट ऑल एक्यूरेट, एंड जैसा कि उसमें लिखा हुआ है ये प्रेडिक्शन है, तो हमेशा प्रेडिक्शन राइट नहीं होता। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, कौन पहले 20 मिलियन पहुंचेंगे, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर अपना ओपिनियन बताइएगा। तो चलिए अपने स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं टेक्निकल गुरुजी के बारे में। तो टेक्निकल गुरुजी रिसेंटली क्रॉस कर लिए द बिगेस्ट टेक चैनल इन द वर्ल्ड जो कि थे अनबॉक्स थेरेपी, तो अब वो बन चुके हैं द बिगेस्ट टेक चैनल ऑफ द वर्ल्ड। तो भाई ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू हिम फॉर दैट। तो चलिए अपने स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी अपने इंस्टाग्राम में ये पोस्ट शेयर किए एंड उन्होंने बताया कि उनका एक वीडियो मेरी प्यारी बहना हैज क्रॉस्ड 100 मिलियन व्यूज ऑन फेसबुक। इसके बारे में वो ये लिखे, दिस इज द इंपैक्ट ऑफ सच वीडियोस ऑन सो मेनी पीपल। आई स्टिल मीट सो मेनी पीपल फ्रॉम फैमिलीज दैट आर ह्यूज फैंस ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर मेकिंग दिस द मोस्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग वीडियो ऑफ माय करियर। सो या मेनी कांग्रेचुलेशंस टू देम फॉर दिस। तो चलिए अपने स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। फ्लाइंग बीस्ट अपने लेटेस्ट व्लॉग के एंड में एक हिंट दिए कि वो एक गेमिंग चैनल ओपन करने वाले हैं विद इन 2 to 3 weeks एंड वो रिक्वेस्ट के अपने ऑडियंस से कि जैसे ही वो अपना गेमिंग चैनल खोलेंगे वो चाहते हैं कि उनका एक दिन के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए। सो या मैं आप लोग को जरूर बता दूंगा जैसे ही वो अपना गेमिंग चैनल ओपन करेंगे। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समय रैना ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर, देन यो साहब जी ने कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स, देन ऋत्विज ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली टिप्स थिएटर को मिल चुका है उनका गोल्डन प्ले बटन। सो मेरे कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले कीमस्टार वर्सेस H3H3 के बारे में। तो भाई मैं आप लोग को बहुत शॉर्ट में ये ड्रामा के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। H3 अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किए कंटेंट न्यूक कीमस्टार। नाउ इस वीडियो में वो बहुत सारी चीजों के बारे में बात किए कि कैसे कीमस्टार मैनिपुलेट करते हैं, लोगों के प्राइवेट एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटरनेट में बताते हैं एंड ऑल्सो H3 के बारे में बहुत बड़े बड़े झूठ बोले अपने चैनल में। बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये वीडियो का था ऑफ एटिका। नाउ आपको याद होगा 1 साल से भी पहले मैंने अपने चैनल में बताया था कि एटिका वॉज अ यूट्यूबर हु हैड पास्ड अवे बाय कमिटिंग सुसाइड। नाउ H3H3 अपने वीडियो में डायरेक्टली इम्प्लाई किए कि कीमस्टार वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एटिकाज डेथ, क्योंकि जब एटिका मेंटली ठीक नहीं थे तब कीमस्टार ट्विटर में बहुत आलतू फालतू ट्वीट्स कर रहे थे विच वुड अफेक्ट हिज मेंटल हेल्थ एंड ऑल्सो अपने चैनल में एटिका का इंटरव्यू लिए थे, जिसके लिए H3 बोले थे कि कीमस्टार यूज्ड एटिका एज एन एंटरटेनमेंट पर्पस फॉर हिज चैनल। और भी कुछ चीजें उन्होंने कहा कीमस्टार के बारे में, करीब 50 मिनट्स का पूरा वीडियो है, तो अगर आपको ये जाके देखना है तो आप जाके देख सकते हो। बट कल कीमस्टार इसको फाइनली रेस्पॉन्ड किया अपने चैनल में एंड वीडियो उन्होंने अपलोड किया H3H3 लाइज। नाउ इस वीडियो में वो खाली एक पॉइंट के ऊपर फोकस किए, दैट वॉज ऑफ एटिका। उन्होंने बताया कि बाकी पॉइंट्स जो है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, बट एटिका वाला पॉइंट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। उन्होंने बताया कि कैसे एटिका एंड कीमस्टार वर क्लोज एंड प्राइवेटली वो बात करते थे काफी एंड जब एटिका हैड पास्ड अवे एटिका की मदर उनको खुद टेक्स्ट करके बताई थी कि कीमस्टार का गलती नहीं है इस सिचुएशन में एंड एटिका की पास्ट गर्लफ्रेंड भी बताया कि कीमस्टार का गलती नहीं था एंड उनका ब्लेम नहीं है इस चीज में एंड और भी वो अपने आपको फर्दर एक्सप्लेन किए। तो अगर आपको उनका भी वीडियो देखना है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। तो ये चीज अभी काफी ज्यादा आगे जाने वाला है, अगर कुछ इसमें मेजर अपडेट्स आएंगे तो आई डेफिनेटली लेट यू नो। तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बस एक लाइक कर देना भाई, लाइक करने से कुछ नहीं जाएगा एंड मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करना। #road to 1 million अब तो बहुत ही क्लोज आ गए, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो यार अपने चैनल को एंड मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।